ओम शांति। आज प्यारे बाबा दी 13/1/2021 दे महावचन बाबा ने आज अपने बच्चियां नू कहा, मिठे बच्चे तुहाडे मुंह तो सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहीदे हन। तुहाडा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहीदा है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछया, जिन्ना बच्चियां ने ब्राह्मण जीवन विच ज्ञान दी धारणा कीती है, उन्हां दी निशानी की होवेगी? उत्तर विच बाबा ने कहा, पहला है, उन्हां दी चलन देवतियां मिसल होवेगी, उन्हां विच दैवी गुणा दी धारणा होवेगी। दूसरा, ओना दा ज्ञान दा विचार सागर मंथन करन दा अभ्यास होवेगा। ओ कदे आसुरी गल्लां दा अर्थात चिकड़ दा मंथन नहीं करनगे। बाबा कहंदे ओ कोई आसुरी गल्लां दा माना कोई चिकड़ दा है, बाबा कह रहे मंथन नहीं करनगे। तीसरा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸਦੈਵ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਮਨਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਦਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਲੀ ਮਾਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਰਲੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਠ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਰਲੀ ਮਾਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਲੀ ਮੇ ਹੈ ਜਾਦੂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਦਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲਨ ਮਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਨ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਗਲਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ।
विचार सागर मंथन ही नहीं कर दे ता बाकी की मंथन होवेगा। आसुरी विचारां दा बाबा कह रहे जदो ज्ञान दा मंथन ही नहीं है ता कस्ता मंथन होएगा। बाबा कह रहे आसुरी विचारां दा उस विच किचड़ा ही निकलेगा, मना चिकड़ भरिया होया है आसुरी विचारां विच। बाबा कह रहे हुण तुसी ईश्वरीय विद्यार्थी हो, जानदे हो मनुख तो देवता बनण दी पढ़ाई पढ़ रहे हां। देवते ए पढ़ाई नहीं पढ़ाउणगे, देवत्यां नूं कदे ज्ञान दा सागर नहीं कहा जांदा। ज्ञान दा सागर तां इक नूं ही कहा जांदा है। दैवी गुण भी ज्ञान नाल ही धारण हुंदे हन। इह ज्ञान तां जो तुहानूं बच्चियां नूं हुण मिलदा है इह सतयुग विच नहीं हुंदा। इन्हां देवत्यां विच दैवी गुण हन, तुसीं महिमा भी करदे हो। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण ता हुण तुसी इस तरह बन रहे हो। पहला ता भक्ति विच महिमा करदे आए हैं देवी देवत्यां दी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। बाबा कह रहे तुसी हुण इस तरह दा बन रहे हो। अपने आप नूं पुछना चाहिदा है कि साडे विच दैवी गुण है जां कोई आसुरी अवगुण हन। अगर आसुरी अवगुण हन तां उन्हां दा उन्हां नूं कढ देना चाहिदा है, तां ही देवता कहांगे, नहीं तां घट दर्जा पा लवोगे। हुण तुसीं बच्चे दैवी गुण धारण करदे हो, बहुत चंगियां चंगियां गल्लां सुणाउंदे हो। इस नूं ही कहा जांदा है पुरशोत्तम संगम योग। जद के तुसीं पुरशोत्तम बन रहे हो ता वातावरण भी बहुत वधिया होना चाहिदा है। मुंह तो कोई भी गंदी गल ना निकले, छी छी गल बाबा कहंदे मुंह तो ना निकले, नहीं ता कहा जावेगा कि घट दर्जे दा है। बोल चाल अते वातावरण नाल झट पता लग जांदा है तुहाडा मुखड़ा सदैव हर्षित मुख होना चाहिदा है। मना हर्षित मना खुशनुमा होना चाहिदा है, चेहरे तो खुशी झलकनी चाहिदी है। नहीं ता ज्ञान रतन धारण, बाबा कहंदे नहीं ता उस विच ज्ञान नहीं कहा जावेगा। ये बोल बाबा कहंदे मुंह तो सदैव ज्ञान रतन निकलन। ये लक्ष्मी नारायण नूं देखो किन्ने हर्षित मुख हन। इन्हां दी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण कीते सी, मुंह तो सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिदे हन। रतन ही सुनदे सुनाउंदे किन्नी खुशी रहिंदी है। ज्ञान रतन जो हुण तुसी लैंदे हो फिर ये सारे हीरे मोती बन जाते हैं। ता अपने आप नूं बहुत समझदार बनाउणा है, आसुरी अवगुणा नूं कढ़णा है। आसुरी अवगुणा दी शकल ही आसुरी अवगुण वालियां दी शकल ही इस तरह हो जाती है। बाबा ने कहा देखो अगर क्रोध है ता क्रोध नाल लाल लाल तांबे वर्गी शकल हो जाती है। काम विकार वाले ता काले बन जाते हैं। ता बच्चियां नूं हर गल विच विचार सागर मंथन करना चाहिदा है। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाउण दी, ओ पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ नॉलेज पढ़ के कोई वड्डा पद पा लेंदे हैं ता पढ़ाई कम आई, ना के पैसा। पढ़ाई ही धन है, ओ है हद दा तन, फिर ए है बेहद दा तन। है ता दोनों पढ़ाई ना। हुण तुसी समझदे हो कि बाप सानू पढ़ा के विश्व दा मालिक बना रहे हन। बाप कहंदे हन दे सहित दे दे सब संबंधां नू छड्डो। आत्मा शरीर छड्डदी है ता साहूकारी आदि सब खत्म हो जांदा है ना। तो बाबा कह रहे कोई नाल ता नहीं जाना ना, तो आत्मा दा जब शरीर छड के जांदी है ता सारा कुछ खत्म हो जांदा है। फिर नवे सिरे तो पढ़ के फिर तन कमाओ, जा ता दान पुन्न चंगा कीता होवे ता साहूकार घर दे विच जन्म लैणगे। कहंदे हन ना कि पास्ट दे कर्मां दा फल है। नॉलेज दा दान कीता होवेगा जां कॉलेज धर्मशाला बनाई होवेगी ता उस दा फल मिलदा है, परंतु थोड़ी देर दे लई।
बाबा कह रहे ये दान पुन भी इत्थे ही कीता जांदा है, सतयुग विच नहीं कीता जांदा। सतयुग विच चंगे ही कर्म हुंदे हन क्योंकि हुण दा वरसा मिलिया है, उत्थे कोई भी विकर्म नहीं हुंदा क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबां दा भी विकर्म नहीं बनेगा, इत्थे ता साहूकारां तो भी विकर्म बनदे हन। तां ही ए बीमारियां आदि दुख आदि हुंदे हन, उत्थे विकार विच जांदे ही नहीं ता विकर्म किवें होणगे। सारा मदार है कर्मा ते, ए माया रावण दा राज है। जो मनुख विकारी बन जांदे हन, बाप आके पढ़ाउंदे हन निर्विकारी बनाउण दे लई। बाबा निर्विकारी बनाउंदे हन, माया फिर विकारी बना दिंदी है। किन्ने चंगे चंगे बच्चे माया दे वश होके हार खा लेंदे हन। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी बाबा कहंदे उम्मीद रखदे हन ना कि अधम माना नीच तो नीच, बाबा कहंदे बिल्कुल पतित दा भी उधार ता करना हुंदा है ना। बाप ता सारे विश्व दा उधार करदे हन। जो विचार सागर मंथन करदे होंगे ओना नो ज्ञान दी धारणा भी चंगी होवेगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करदे ता बुद्धू बन पैंदे हन। मुरली चलाउण वाले दा विचार सागर मंथन भी चलेगा। इस टॉपिक ते ए समझाउणा है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलदा है। फलाने आउण वाले हन उन्हां नूं भी खुलास नाल समझावांगी। हो सकदा है कुछ समझ जान। भाग ते है ना, कोई झट निश्चय कर लैंदे और कोई नहीं करदे। उम्मीद ता रखी जांदी है ना, हुण नहीं ता अग्गे चल के समझणगे जरूर। बाबा बच्चियां नूं समझा रहे हैं कि निराश नहीं होना चाहिदा, उम्मीद जरूर रखनी चाहिदी है। उम्मीद रखनी चाहिदी है ना, उम्मीद रखना मना सर्विस दा शौक है, थकना नहीं है। बेशक कोई पढ़ के फिर अदम बनिया है आउंदा है ता जरूर उसनों विजिटिंग रूम विच ही बिठाओगे जा कहोगे कि चले जाओ। जरूर पूछोगे कि इन्ने दिन क्यों नहीं आए, फिर कहंदे माया तो हार खा ली। ऐदा ढेर आउंदे हन, समझदे हन ज्ञान बहुत अच्छा है परंतु माया ने हरा दिता। समृति रहिंदी है ना, तो बाबा कह रहे भक्ति विच हारन अते जितन दी गल नहीं रहिंदी। बाबा देखो साडी किन्नी सेवा करदे हन, सानू विश्व दा मालिक बनाउंदे हन। अच्छा फिर बाबा ने याद प्यार दिता, मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते। तारणा ले मुख सार है, पहला है अपने खुश नुमे मुखड़े नाल, हर्षित मुख मुखड़े नाल बाप दा नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने अते सुनाउने हन, गले विच माला रतना दी ज्ञान रतना दी माला पवी पई रहे, अवगुण आसुरी अवगुणा नू कट देना है। दूसरा सेवा विच कदे भी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक नाल सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर खुलास विच रहना है। वरदान है सर्विस दे रिटर्न विच समानता दा अनुभव करन वाले सर्व शक्ति संपन्न पव। डिटेल है जो बच्चे बाप दे स्नेह विच सदा समाये रहंदे हन, ओना दे स्नेह दा रिस्पोंड विच बाप समान बन दा वरदान प्राप्त हो जांदा है। जो सदा स्नेह युक्त अते योग युक्त हन ओ सर्व शक्तियां नाल संपन्न अपने आप ही बन जांदे हन। सर्व शक्तियां सदा नाल हन तां विजय होई पई है। जिन्ना नू समृति रहंदी के सर्व शक्तिवान बाप साडा साथी है, ओ कदे किसे भी गल विच विचलत माना डामा डोल नहीं हो सकदी। सलोगन है पुरुषार्थी जीवन विच
जो सदा संतुष्ट अते खुश रहन वाले हन ओही खुश नसीब हन। अच्छा, ओम शांति।